हर बार क्यों हम रास्ता भटक जाते हैं? क्यों? एक बार गूगल का पता कर लो प्लीज। गूगल तो बहुत गुमा ऐसा रहे, पूछ के जाएंगे तो कभी बहुत अब नहीं बुलाया। सो हियर वी गो। यस सर, बच्चा बड़ी का वेकेशन है तो वी थॉट लोनावला जाते, एक अच्छा सा शॉर्ट ट्रिप करके आते लोनावला का। बेसिकली देखते कोई अच्छा होटल मिलता है, क्या मिलता है, रिसोर्ट मिलता है, या फिर हम लोग कार में ही सामान लेके घूमते। आई डोंट नो, स्टिल नॉट डिसाइडेड। लेट्स गो एंड डिसाइड दैट। सो बच्चा पड़ी, आर यू एक्साइटेड? यस, बहुत ज्यादा। लोनावला ट्रिप के लिए? यस। सो पापा, आर यू रेडी विद फुल पावर? फुल पावर और फुल लिंग के साथ। सो हमारे साथ ऐसे हो गया कि हर बार की तरह इस बार भी हमने गूगल मैप का सहारा लिया है। कहाँ जाने? यस, लोनावला जाने। हम इससे अच्छा तो लोगों को पूछ लिए होते रास्ते में। नहीं तो हम इतना घूम फिर के कहाँ पहुँच गए पता है? मुमरा। जस्ट ऑल क्रेडिट गोज टू हमारा गूगल मैप। नहीं मैं मुमरा नहीं पहुंचना था, लोनावला खंडाला जाना था। सनूर तेरा क्या बोलना था? मेरी जब भी आँख खुलती है ना तो डैडी बोलते हैं 2 घंटा बाकी, 2 घंटा बाकी। In 500 meters, keep left onto Mumbai Pune Road. मुझे 2 घंटा बाकी, आराम से सो जाऊँ। कितना सोऊँ? सो बेसिकली हम रास्ता भटक चुके हैं। तो यार सर कितनी देर बाकी है? 1 hour 50 minutes. तो यासर ने 2 घंटे में 10 मिनट कम कर चुके। दूर से शर्मा गए यासर। So, मम्मा, गाइस तुम्हारे को बुला रहे। तो हेलो गाइस तो करो, तुम्हारे स्टाइल में करो। हेलो गाइस। थक के भूखे हारे। अब यासर को ऑप्शन दिखा हमारी। यासर हेट फ्रूट्स, बट बेचारे यासर हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हमें फ्रूट खाने दे रहे हैं एंड वो बैर करेंगे पास उधर रख के। चलो मोहम्मद, क्या खाने मन हो रहा है? वाटरमेलन। क्यूटी पाई को जो खाना पसंद है, जो मेरे को पसंद है। कौन है क्यूटी पाई? मम्मी एच के आर बेकर स्टूडियो। अच्छे मम्मी। अगला चल, हम रास्ता भटके हुए हैं, दैट विल बी कंटिन्यू। तो अब कहाँ से जाना है, कौन से रास्ते से जाना है? रास्ता चूज कर लेते ना, कहीं तो पहुंचेगी ना। घर नहीं, मुझे तो मेरा रास्ता दिख रहा है। सिर्फ फिर गए रास्ते का पता लगाने। I don't know why, always why. कोई ट्रिप ही कम्प्लीट नहीं होती जब तक हम रास्ता ना भटक जाए। मतलब लाइक सीधा सिंपल रास्ता क्यों नहीं मिलता? I don't know, हर बार क्यों हम रास्ता भटक जाते। क्यों? एक बार गूगल का पता कर लो प्लीज। गूगल तो बहुत गुमा ऐसा पूछ के जाएंगे। हम इस कार वाले का पीछा करेंगे ये कार वाले के साथ और होपफुली हम अपनी जगह पहुंच जाए, पर फिर भी नहीं जाएंगे। अरे याद है रास्ते में ही गुल हो जाने वाला, देख लेना। नहीं यार, रास्ता बता के बोलेगा सीधा स्ट्रेट करेगा। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या ये वफादारी करेगा? राजवीर क्या वफादारी करेगा? राजवीर वो इसके कार पे लिखा है। मुझे किससे नाम पता चलेगा? तो क्या ये बंदा वफादारी करेगा? लेट्स सी। भाई तो वफादार निकला, उसने रास्ता बता दिया यार सर को। माय गॉड, प्लीज यार ऑन एक्सप्रेस हाईवे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? इतना स्लो चल रहे, जस्ट लाइक
देसी इंडियन पीपल। जैसे हमने पथारे पे आके खरीदने खड़े हो, हम यहाँ गए होटल वाले से डिस्कस के, ही सेड 2 दिन का पैकेज 32,000, आई सेड नहीं 25, देन ही सेड नहीं 27, देन आई सेड नहीं 26, देन ही सेड नो 26 में तुमको लंच नहीं दूंगा, सिर्फ डिनर एंड ब्रेकफास्ट दूंगा। तो मैं क्या ट्राई करी थी पता है, स्लो स्लो चल के जाने की, अभी पीछे से आके बुला ले, भाव कम कर दे। अवन नहीं बुलाया, नहीं आ रहा है भाई, बस फिर हम यहाँ पे आके अभी दे, अभी हम यही आके वीडियो बनाएंगे। कभी उसको दिल में आ जाए मुझे बुलाने का, तो तब तक यासर कार लेके आएंगे। हाँ मैं ऐसी चीप टेक्निक्स करती हूँ, तो क्या हो गया यार, कहाँ 25-35 हज़ार वो बोल रहा है, कहाँ मैं उसको 26 तक ले आई, बट अभी भी लंच के लिए नहीं मान रहा वो। ठीक है कोई नहीं, तसल्ली हो तो ऐसी। ठीक है वो तो नहीं आया, मैं वापस जा रही हूँ उसके पास, लॉल्स। हाँ ऐसे चीप टेक्निक्स मैं यूज़ करती हूँ प्राइस कराने, नहीं करूँगी तो मम्मी मारेगी मेरे को, लेकिन क्या हरकत है ये। सो यस रूम डन हो गया विदाउट लंच, यस से भैया माने नहीं लंच देने के लिए। हाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट लंच, सी यासर बोलते तुमने लंच क्यों नहीं ऐड कराया, तो लंच बुफेट ऐड कराने के लिए 5,000 एक्स्ट्रा देना था, तो मैंने बोली 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने से अच्छा आई शुड गो फॉर वॉट यू नो, हम ना अलग से लंच ऑर्डर कर सकते या फिर रस्ते पे जाके ढाबे का 500 रुपये में खाना खा सकते, 500,000 रुपये में वट से। अब तुम लोग बोलोगे ना ये कहाँ की वो अकलमंदी हुई कि तुम इधर रुकोगे और रस्ते पे जाके खाना खाओगे, पर ठीक है ना, लाइफ में अलग अलग टाइप के एडवेंचर होते हैं, मेरे भी अपने अपने एडवेंचर हैं। मैं मेमन हूँ यार, मेमन लोग बहुत कंजूस होते हैं और वो दिखना चाहिए तुम कहीं भी जाओ। I really trust my senses, catch me if I fall, so done with second guessing, you seem to have it all, in love enough for anything, emotional too soon, you got my invitation, now the rest is up to you, kick it rendezvous, make some time for me and you, get you over to you. Yeah, yeah, yeah. सिर्फ एक फ्राइड राइस और दाल चावल विद 3 रोटी, 4 भी नहीं मंगवाई मैंने, कितने का पता है 2800 ऊपर 60 or 70 रुपीज समथिंग काट दिया ससुर। सो नाउ वी आर लिविंग फॉर द पूल, बच्चा बड़ी ये आई एम डिसाइडेड, बोलने की जरूरत नहीं, चल चल घूमो, चल तेरे को डर हो रहा है, डैडी पूरा पूल राइड दे रहे हैं तुझे, चलो चल। Feeling kind of tipsy, didn't drink so I don't get it, I must be high but I'm just guessing, it's something in the way you talk, I'll show my hand, let's play it out, putting my heart up on the table, I really trust my senses, catch me if I fall, so done with second guessing, you seem to have it all, in love enough for anything emotional. Yes, I'm cool se aa gaye, nah do ke tayar ho gaye, and I'm exploring my desi vibe. या बॉम्बे में तो हम इतना सारा ट्रेडिशनल आउटफिट नहीं पहनते, लोग हिल स्टेशन पे आके क्या पहनते पता है, जीन्स टी शर्ट, और हम यहाँ पर आके पाकिस्तानी पहन रहे, बिकॉज मन होता है ना मेरे को वहाँ वो सब पहनने का, यू नो रूटीन में वही आ जाता है, तो बेसिकली आई एम, मैं अपने सारे अरमान यहाँ पूरे कर रही हूँ ना, आउटफिट लुक गुड नो, सी कैसा लग रहा है, आई शो यू क्लोजअप, भाई क्लोजअप क्यों नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है, इसका दुपट्टा भी क्लासी लग रहा है, सी ये अल्पारसा का है, सो आई विल टेक द पिच, ठीक है। कैन आई शो यू द बुफेट, सो दीज आर द डेजर्ट्स, नॉट दिस डेजर्ट, बीटरूट हलवा, व्हाट दिस, चॉकलेट वॉलनट पुडिंग, ओ पुडिंग कूल, नाइस, सो व्हाट दिस, सीसम चिली नूडल्स, नाइस, चिकन ग्रेवी बेसिकली, आई एम नॉट गोना हैव चिकन ओवर हियर, फिश या वी गोना हैव फिश 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 पार्टी पार्टी, ओह वाओ चिली पोटैटो, यासर गोना लव इट, ओके here is all chicken and this fish curry, all Indian items, all Indian, ghugra, oh this is from Gujarat, I'm ghugra, we used to eat hara bara kebab, paneer kadai, dam aloo, this masala bhat, what is this, baighan bharta, alag bharta, yahan bhi bharta hi khana, ha papad dal,
कंटाला तो मुझे भी आता है, सिर्फ फाइव स्टार आहिस्ता अच्छी नहीं लगती, लोकल टाइप में थोड़ा अलग ही मजा है, प्लस फैमिली साथ में हो तो बात ही अलग। हम चले डिनर के बाद एक राउंड मारने, कुछ ठंडा पीने। बाहर हम ठंडा पीने इसलिए जा रहे हैं, हमारी होटल में एक डाइट कोक 200 रुपए की है, तो यहाँ सर बोले बाहर जाके अपन 40 रुपए की पी के आते हैं, तो ठीक है तो हम जा रहे हैं। नहीं बेसिकली हम लोग बोर हो चुके कुछ ऐसे, तो हम सोचे कि बाहर जाके आते हैं, मे भी कुछ अच्छा मिल जाए बच्चे से। ये मिल गई जगह जहाँ पर हमें 40 रुपए में कोक मिल जाएगी। अब हम यहाँ आ गए और यहाँ से बहुत सारा कचरा लेके जाएंगे, यू नो स्नैक्स जरूरी है क्योंकि बच्चे लोग तो जागने वाले, सारे सोके उठे। चलिए सारा पिक करते हैं। हाँ सब थक गए। अच्छा पाटी एनर्जी है क्या, थक गए? एनर्जी अभी माने का पाते हैं। बच्चा बड़ी हमारी पूरी पलटन कहाँ नाश्ते करने। हम जा रहे हैं सारे टाइगर पॉइंट, यस, एंड रास्ते में आएगा बुशी डैम भी। और ये रो रहा है, इसको स्टिल है ना, वो करना है, क्या करना है? पूल में जाना है। रो रहे हैं क्या? हाँ। मैं लेके आऊंगा, बोला लेके आऊंगा तो मत। सो ये आ गया हमारा, क्या आया? टाइगर पॉइंट। यस टाइगर पॉइंट, वहाँ सामने है कार पार्किंग और यहाँ है इंसान पार्किंग, आई मीन हमारा घूमना। ऊंट पे तुम लोग दोनों बैठेगा और वो छोटे कुत्ते पे कौन बैठेगा? कहाँ है? नहीं दिख रहा है। ये रहा। अरे यार। कहाँ है? तो क्या कुत्ते पे बैठी? हाँ मैं कुत्ते पे लॉयल हूँ, मैं बहुत लॉयल हूँ। जबरदस्त एक जानवर पे चढ़ के तीन जानवर बैठ गए। अच्छी जोक थी पापा। यहाँ से राड हंस लिए मतलब एंड। तो ये आ गया हमारा फज, ले चुके हैं हम पूरी फैमिली के लिए। यस, तो ये जो सारी एक्टिविटीज है ना आसपास, ये भी सारा ना पार्ट ऑफ होटल एक्टिविटीज है। आई जस्ट नीड टू पे 500 रुपीज फॉर पर किड एंड ये जब तक ये चेकआउट नहीं होता तब तक दे कैन कम एंड प्ले, गुड ना? एंड कितना काफी कोई अच्छी अच्छी चीज है, मुझे तो देख के बहुत मजा आ रहा है, मुझे मन कर रहा है मेरा भी 500 लेके मुझे उसमें जाने दे कोई प्लीज। है ना? यस, एंड काफी अच्छी एक्टिविटीज है, किड्स आर प्लेइंग एंड किड्स आर एंजॉइंग ऑल्सो, इट्स नॉट बैड 500 रुपीज टिल चेकआउट। स्कूल जाके नहा धो के आ चुके, क्या धो के नहा के खैर छोड़ो, नहा के हम आ चुके और अब हम जा रहे कहाँ? नहीं बुफेट करने नहीं जा रहे, लंच करने हम बाहर जा रहे। मैंने बुफेट नहीं ऐड करवाया पैकेट में, मॉम बहुत लूट रहा था इसके लिए, तो डिनर यही है फिक्स बुफेट में। तो अभी हम लंच करने कहाँ जा रहे पता है? यहाँ पर दिल्ली जाएगा या मुंबई जाएगा? यस बॉम्बे जाएगा है। सो उसके अंदर ना हम चिकन खाएंगे, बेसिकली यहाँ चिकन मैं खाती नहीं हूँ बिकॉज हलाल वाला मसला रहता है, तो यहाँ मैं फिलहाल वेज खा रही हूँ। बट या बॉम्बे जाएगा, आई गो एंड आई हैव चिकन, हाय हाय ग्रिल मत पूछो, सारी चिकन की वेराइटी यू नो याद करके टेम्पटेशन हो रहा है। कल सुबह हमारा यहाँ से चेकआउट हो जाएगा, कल हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन निकल जाएंगे, फिर निकलते हुए हम थोड़ा यहाँ वहाँ भटकेंगे एंड देन घर चले जाएंगे। सो यस टुडे इज द लास्ट डे, आज रात का लास्ट डिनर यहाँ करेंगे,
या वैसे यहाँ की काफी वाइब अच्छी है। हाँ रात को थोड़ा दिल घबरा रहा था, परसों मैं बता रही थी ना कल कि मेरा थोड़ा दिल घबरा रहा है, अंधेरा अंधेरा लग रहा है। देसी लोग है ना, मोहम्मद अली रोड पे रहने वाले, किसी बस्ती में रहते हैं, सफेद सफेद लाइटों में, तो थोड़ी पीली पीली में जीव मुंझा जाता है, मतलब दिल घबरा जाता है। जीव मुंझा जाना इन सेंस मेमन लैंग्वेज, ठीक है, तो आप लोग जो मेमन ऑडियंस और गुजराती होंगी समझ जाएंगी। सो बस यही। अरे हाँ, जो होटल डिटेल बतानी थी, होटल डिटेल ये थी कि बेसिकली ये जो रूम है ना, हम लोग को 26,000 का पड़ा दो दिन का। इसके अंदर लंच एंड डिनर दोनों ही चीज़ उसने ऐड किया था, प्लस तीन बच्चे और हम दोनों हस्बैंड वाइफ। पर इस कमीने ने, जाने दो अच्छी लैंग्वेज बोलते, इस इंसान मनहूस इंसान ने ये नहीं बोला क्या चाहिए इतना यूँ नहीं बोला, एक ही बेड लूंगा और बच्चे जमीन पे पड़े। मैं महाबलेश्वर में फाइव स्टार में थी, इवन दिस इज फाइव स्टार, नो डाउट इट्स फाइव इयर्स। मैं महाबलेश्वर में फाइव स्टार में थी, वहाँ दो बेड मिले थे, पता है, एक सोफा कम बेड, एक हमारा बेड। और मुझे, मैं सोफा खींच रही थी, ट्राई कर रही थी खुलेगा, खुला ही नहीं। इट वॉज नॉट सोफा कम बेड, इट वॉज जस्ट अ सोफा। बट क्या, सर्विस बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का। यू नो, अगर इफ यू वॉन्ट अलग, एक डिफरेंट वर्ल्ड में जाना है, डिफरेंट प्लानट लगे, ऐसा लगे ही कोई डिस्टर्बेंस हो, सराउंडिंग एकदम सुकून वाला, खाना अच्छा और हाइजीन बहुत अच्छा है, तो फिर आई वुड प्रेफर कि आप लोग यहाँ आओ। यस, 13,000 से पर डे का पैकेज स्टार्ट होता है इनका, जिसमें खाना इंक्लूड नहीं रहता, सिर्फ ब्रेकफास्ट रहता है, सो यू कैन गो फॉर दैट। और एल्स यू कैन बहुत सारी सस्ती होटलें भी हैं यहाँ। मुंबई जायका मैं बोल रही थी ना, एग्जैक्टली कहाँ है पता है? सामने देखो, दिस कुमार है, बस इसके एग्जैक्टली सामने इधर ये सारी ट्यूब्स एंड ऑल की दुकान है, इधर बॉम्बे जायका। इसका खाना लास्ट टाइम बहुत अच्छा लगा था, इवन कम्पेयर टू गज़ेबो, ट्रस्ट मी, कम्पेयर टू गज़ेबो सस्ता भी था एंड मस्त था। थोड़ा मस्का मारना पड़ेगा, बेबी आ जाओ, थोड़ा नीचे आ जाओ, डाउन टू अर्थ हो जाओ। रेडी है ना हम डिनर के लिए जा रहे हैं? यस, चले जाते हैं। यस, आज हमारा डिनर का लास्ट डे है इस होटल में, दुनिया में नहीं, कल चेकआउट है। यस, सो इट्स अवर लास्ट डे, हम लोग ऑल सेट रेडी है, अभी हम नाश्ते के लिए जा रहे हैं। फिर हमारा सामान पैक हो चुका है सारा, ये रहा भाई, मोहम्मद भाई बस रेडी नहीं है, नूर रेडी है, तहूर रेडी है और यासर रेडी है, तो हमने सारा सामान पैक कर लिया। लेकिन 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 क्या पता है, जाने से पहले कुछ रिचुअल्स जरूरी है। अब जब भी होटल से चेकआउट करो तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, पता है क्या, ये अगर आप नहीं किए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पता है आपको, बाद में दिल दुखता है, पेट जलता है, जब इतना हाई पेट करो और ऐसे नहीं करो तो। ये देखो, ये सारे हमारे वॉशरूम में यूज़ करने के लिए, बाथरूम में जो जो उन्होंने सोप शैम्पू सब सर्फ साबुन वॉट एवर जो भी दिए, सब लेके जाने का। ये देखो, सारे साबुन लेके जाने का, ये इसने एक डायरी दिया था वो भी लेके जाने का, ये एक नेस कैफे और शुगर का पैकेट भी लेके जाने का, और कुछ है क्या? मैं देख कर नहीं नहीं बेटा, इतनी बड़ी चोर नहीं हूँ। और कुछ, एनीथिंग एल्स? अरे हाँ, ये भी लेके जाने का जाते हुए, ज़रूरी है। और नहीं, टूथपेस्ट नहीं चाहिए, हाँ टूथपेस्ट ले लेती हूँ, चलो इसका ढक्कन लगा हुआ है, शावर कैप का काम नहीं है मुझे, आई थिंक बस है ना इतना लेके जाने के लिए, क्या और भी कुछ लेके जाना है? हम सारे आ गए यहाँ, ये हमारा नाश्ता। पता नहीं, पर जा रहे हैं घर के लिए फिलहाल, रास्ते में कुछ घूमते हुए गए तो बात अलग है, बट वी आर ऑन द वे टू होम, हमारा घर। आई लव द टर्निंग, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून लगता है, पता है, दिस टर्निंग पॉइंट एंड द ग्रीनरी इज जस्ट हाई, आई विल शो यू, लग रहा है ना प्यारा, ये सीन मैंने पहले भी लिया। बाय टू फरियास, बाय टू लुनाब्रा।